हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द मनी द लर्निंग ऐप। होप यू ऑल आर डूइंग गुड स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स अपन अपना पहला लेक्चर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री अपन यहां पे डील करना चाह रहे हैं। मैं आपको यहां पर पहला इस चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स आपका पार्ट वन जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर फोर कवर करता है। चैप्टर फोर यूनिट फोर पे आता है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स आज का लेक्चर में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की महत्वता क्या है आपके बोर्ड लेवल से लेके जेई और मेडिकल लेवल तक, वो अपन इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट लेक्चर वन टू द लास्ट लेक्चर ये समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर, इसका वेटेज कितना होता है बोर्ड लेवल पे, जेई नीट लेवल पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, स्टार्टिंग में क्या डील करा जाता है, ये सब चीजें अपन आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में लेक्चर वन में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो चालू करते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर का नेम जो क्या है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो बोर्ड लेवल पर इसका वेटेज होता है 5 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 3 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये आते हैं, वेरी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 1 मार्क एंड अ क्वेश्चन टिल लास्ट, जो आपके लार्ज वेरी वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड लेवल में, जो कि होते हैं 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, वहां तक आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें एक से लेके आपके पास 30-35 क्वेश्चंस आने लग गए हैं बोर्ड लेवल के सिनेरियो के अंदर। तो उसमें आपके पास 1 मार्क स्टेटमेंट, 2 मार्क और 3 मार्क और 5 मार्क में जाता है मार्किंग स्कीम। तो 3 to 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करते हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ये तो बात हो गई आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं स्टूडेंट्स जेई और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जेई और मेडिकल, सबसे पहले जेई की बात करें तो 2-3 क्वेश्चंस इसके अंदर डेफिनेटली आपके पास मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह के सवाल होते हैं और वो मेनली पूछे जाते हैं आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या है आगे के लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ आउट कर दूंगा कि इंटीग्रेटेड रेट लो रेट इक्वेशन में आपके पास क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। वहां पर अपन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले प्रकार होता है उसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तीनों के केस के लिए रेट कांस्टेंट के की फॉर्मूला, के का वैल्यू, जो के का फॉर्मूला अपन वहां पढ़ेंगे, हाफ लाइफ टी हाफ का जो फॉर्मूला पढ़ेंगे उनसे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। दूसरी बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर सवाल आ जाता है। और लास्टली यहां पर आ जाता है कलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी या अरेनियस इक्वेशन से सवाल। तो 2 से 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास यहां पर आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चंस। ऐसे ही जेई मेंस में ये आ जाता है। मेडिकल में बात करें तो 4 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन चल जाते हैं। वहां पर थोड़ा सा क्या होता है, इजी तरीके के सवाल आते हैं। तो मेंस में जो थोड़ा सा टफ पार्ट लिया अपन ने, जैसे न्यूमेरिकल थोड़े से टफ आए, तो वहां पर वो न्यूमेरिकल थोड़ा लेवल डाउन हो जाता है, बट अच्छे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स, अनडाउटली बहुत ही बढ़िया सवाल होते हैं। उनमें आपको समय लगेगा, थोड़ा सा ट्रिक से, थोड़ी सी मेहनत से आप इजिली उन सवाल को कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये तो आपको पता लग गया मार्किंग स्कीम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। सो आ जाते हैं अपन आज के लेक्चर पे। व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, देन उसके बाद अपन यहां पर चालू करेंगे अपना चैप्टर जो कि स्टार्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन से, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, उससे आगे सवाल कैसे आएंगे, टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होंगी। क्लियर, तो ये आपको यहां पर देखना होगा स्टूडेंट्स। क्लियर, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट्स वो देखेंगे, फिर अपन जाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की वेरी फास्ट, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन, ये अपने को जानना
को मिलेगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंसी जिनकी होती है। क्लियर। उसके बाद अपन इससे मिलते जुलते सवाल देखेंगे, सवाल भी अपन लास्ट में डाल देते हैं। इसके बाद एक टॉपिक देखेंगे जो कि क्या है, रेट इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्लियर बच्चे? तो ये आज का जो लेक्चर अपन समराइज करेंगे, आज जो टॉपिक्स कवर्ड करेंगे आज के लेक्चर में वो क्या है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है, टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, रेट्स इन टर्म ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होता है, एंड लास्टली आपके पास क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे ही अपन वहां पर कुछ रिएक्शंस लेंगे, कुछ वैल्यूज लेंगे, और उन रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो देखेंगे, और फिर उसमें से जो अननोन पार्ट होगा वो अपन यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज का अपने पास ये समराइज हो गया, आज ही आप पढ़ने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर डिस्कस होगा आज का पार्ट वो होगा टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन वी आर यूजिंग इन द केमिकल काइनेटिक्स, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस, हैविंग एग्जांपल्स। तो ये अपन आज इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? चालू करते हैं आज के लेक्चर को, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे मैं यहां पर टॉपिक लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखेंगे। इसको स्मॉल r या कैपिटल r से आप डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन समझने से पहले अपन यहां पर देखते हैं आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका मतलब क्या है। केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स के वर्ड से अपन समझ रहे हैं कि केमिकल तो क्या बता रहा है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शंस को समझा रहा है। क्लियर? काइनेटिक्स आपको बता रहा है मोशन किसी भी पर्टिकुलर थिंग के अंदर। तो काइनेटिक्स यही वर्ड होता है कि आपके पास रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कितनी तेजी से वो मूव कर रही है, कितने समय के अनुसार। क्लियर? तो मोशन या मूवमेंट ये समझाएगा अपने को कौन, काइनेटिक्स वर्ड। केमिकल्स अपन समझ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो केमिकल डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात हो रही है, केमिकल कंपाउंड से मिलकर आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन से अपन को समझ में आया कि केमिकल वर्ड क्या है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन टुगेदर वी आर डीलिंग विद द मोशन वर्ड्स, वी आर हैविंग अ की स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, कि केमिकल रिएक्शन और मोशन से मिलकर अपने पास वर्ड बना है केमिकल काइनेटिक्स का। अब इसकी बात करें स्टूडेंट डेफिनेशन की, तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन ले रहा हूं जो कि क्या है, कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास कवर हो रहा है केमिस्ट्री के अंदर, और मैं इसको सब पार्ट में भी डिवाइड कर रहा हूं जो कि क्या है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर। तो मैं इसकी जो स्टेटमेंट या डेफिनेशन क्रिएट कर सकता हूं वो ये कर सकता हूं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि आप बुक्स में देखते हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो फिजिकल केमिस्ट्री अपन ने डाल दिया डेफिनेशन में। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जिसके अंदर अपन देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, इससे बनने वाले मैकेनिज्म और इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। क्लियर? इसको फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे, कारक जो इसको अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, तो उन पे जो काम किया जाएगा वो देखा जाएगा कौन से चैप्टर के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार वापिस समझाऊंगा आपको कि ये वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, इससे आगे होने वाले मैकेनिज्म एंड इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, उसको बोला जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर? अब आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहां पर नोट डाउन कीजिए, इट इज अ
ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन इट्स मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, अंडरलाइन करते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो रेट केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री विच डील्स विद द, डील्स का मतलब कि इसमें अपन पढ़ेंगे, इनके बारे में बातचीत होगी और इनको समझने का ही अपने पास चैप्टर क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर अपन समझ रहे हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, उससे बनने वाले मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म क्या, जैसे कि कोलिजन थियरी, रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जो फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे उनके बारे में देखेंगे, टोटल 5 फैक्टर्स हो रहे हैं तो अपन आगे के लेक्चर्स में उनको देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो केमिकल काइनेटिक्स की बात हो गई स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं सबसे पहला वाला पार्ट जो अपने डेफिनेशन का मेन पार्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन है आपके पास, डिनोट करते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर को। तो कैपिटल आर स्मॉल आर से डिनोशन का इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्टूडेंट्स कि यह चेंज है कंसंट्रेशन वर्सेस चेंज इन टाइम के बीच में। क्या रेशियो है स्टूडेंट्स ये, कि ये कंसंट्रेशन के बीच में चेंज बता रहा है और टाइम के बीच में चेंज बता रहा है, उसी को बोला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, इट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको कैसे समझ पाएंगे कि सर मेरे को तो ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या लिख दिया आपने, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टाइम, कैसे लिखेंगे इसको। तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आई बात समझ में, कि स्मॉल आर आपके पास क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा टाइम के अनुसार वो दिखाया जाएगा, उसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब कंसंट्रेशन भी किसकी हो जाएगी स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन आपके पास रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की होगी, तो वहां पर भी उसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फॉर द रिएक्शन आर गिव्स पी, रिएक्टेंट गिव्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या लिख पाऊंगा स्टूडेंट्स, R इक्वल्स टू माइनस डी आर बाय डी टी। आप D की जगह क्या यूज कर सकते हो, डेल्टा भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। और प्रोडक्ट के केस में, ये तो रिएक्टेंट के केस में, ये प्रोडक्ट के केस में डी पी बाय डी टी। तो आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम आया, मैंने रिएक्शन लिया, रिएक्टेंट गिव्स P, तो आपके पास इसी रिएक्शन को मैंने दो फॉर्मूले में डिवाइड कर दिया, जो कि क्या है, माइनस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी, आर पी इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये मैं मोलर कंसंट्रेशन वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, मैं मोलर कंसंट्रेशन जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो ब्रैकेट साइन के लिए यूज कर रहा हूं। क्लियर, तो यहां पर लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन, कि सर ने ये ब्रैकेट जो यूज करे थे रेट ऑफ रिएक्शन के केस में, तो वो क्या बताते हैं, वो मोलर कंसंट्रेशन बताते हैं जो भी उन ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। मेरे पास R रिएक्टेंट है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मेरे पास P है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मेरे पास A आ जाएगा तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A,
मेरे पास NO2, NH3, तो उसी सब्सटेंस का नाम और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा कि मेरे पास यहां पर रिएक्टेंट में तो सर ने माइनस साइन ले लिया और प्रोडक्ट में पॉजिटिव ले लिया, ये क्या हो गया भाई? यहां तो कोई साइन ही नहीं था और यहां साइन आ गए, तो ये क्या है? देखते हैं भाई, तो साइन क्या है भाई? सबसे पहले तो आप लिखें विद रिएक्टेंट इट डिक्रीजेस विद टाइम। विथ प्रोडक्ट इट इंक्रीजेस विद टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? डिक्रीज को पूरा लिखने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एरो नीचे डिक्रीजेस। ठीक है, अब आगे अपन ऐसे ही शॉर्ट में चलेंगे, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। क्लियर भाई? तो डिक्रीजेस और इंक्रीजेस किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो तभी आपके पास जो रिएक्टेंट था वो क्या था स्टूडेंट्स? माइनस डेल्टा dr बाय dt और यहां पर dp बाय dt। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर आपके पास रेट क्या हो जाएगा रिएक्टेंट के लिए? डिक्रीज इन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवेल, प्रोडक्ट के केस में इंक्रीज इन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवेल। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्टेंट के लिए आ गया, यही चीज आपके पास प्रोडक्ट के लिए आ गया। बात समझ में आई कि रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को अपन ने चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन में कैसे वेरी करा? तो विद रिएक्टेंट इट डिक्रीजेस विद द टाइम, विद प्रोडक्ट इट इंक्रीजेस विद द टाइम। दैट्स व्हाई इट डिक्रीजेस विद द टाइम। तो अपन ने यहां पर नेगेटिव साइन लगाया आगे, क्यों? ताकि जो अंदर की रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू आगे न्यूमेरिकल्स में मिले वो खुद में ही क्या आएंगी आपके पास नेगेटिव साइन रिफ्लेक्ट करेंगी। तो वो नेगेटिव ये नेगेटिव मिलके आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये आपको बेसिकली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बता रही है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शोज द क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम वैल्यू स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ नेगेटिव साइन बिफोर द फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आर इक्वल्स टू डिक्रीज इन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवेल फॉर द केस ऑफ रिएक्टेंट पर्पस एंड इंक्रीज इन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवेल फॉर द केस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी होगी, जो कि क्या थी? स्मॉल आर कैपिटल आर से अपन शो कर रहे थे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ रही थी आर इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, आर आर निकाला, आरपी अपन ने फाइंड आउट करा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन को आगे अपन ने चेक करा, जो कि क्या होता है डिक्रीज इन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवेल, इंक्रीज इन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवेल, दोनों के लिए फॉर्मूला, दोनों के लिए फॉर्मूला। क्लियर भाई? अब आगे चलते हैं कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है भाई। यूनिट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स यहां पर दो तरह की यूनिट मैं आपको बता रहा हूं, जो कि क्या है? मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड यूनिट है आपके पास एटीएम, सेकेंड इनवर्स। दोनों का अलग अलग रोल है क्वेश्चन में यूज करने का। यह हो रहा है आपके पास सॉल्यूशन फेज, जब है आपके पास तब अपन यूनिट यूज कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन आपके पास मोल लीटर में, मोल पर लीटर में फाइंड आउट करी जाती है। तो जब सॉल्यूशन फेज में कंसंट्रेशन की बात करी जा रही है तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बात कर रहे हैं।
जब गैशियस फेज की बात आ रही है तो वहां पर आपके पास क्या आ गया, कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर आ गया। तो गैशियस में जब प्रेशर आ जाएगा तो एटीएम में अपन प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं, तो प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स की जगह एटीएम सेकेंड इनवर्स आपके पास यूनिट आ जाएगी। तो ये दो यूनिट होती है जो कि आपको मेनली ध्यान रखनी है फॉर फाइंडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की दो यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और एटीएम सेकेंड इनवर्स। स्टूडेंट्स क्लियर? अब अपन चालू करेंगे अपने पास नेक्स्ट, जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब भाई टाइप ऑफ रिएक्शन सर क्या कितने प्रकार की होती है? तो बेटा मैंने आपको चैप्टर लेसन चालू करने से पहले लेक्चर वन में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि अपन यहां पर थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है सर? यहां पर सबसे पहले आपके पास आ जाएगा वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाएंगी। क्लियर? तो वेरी फास्ट रिएक्शन उनको बोला जाएगा। इनका दूसरा नाम क्या होता है सर? इसका दूसरा नाम होता है बच्चे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी इनको बोलते हैं। दूसरा क्या पढ़ेंगे? वेरी स्लो रिएक्शन। सर दूसरा नाम क्या होगा इसका? इसका भी दूसरा नाम होगा बच्चे एवरेज रिएक्शन। थर्ड एंड लास्टली पढ़ेंगे अपन, जो कि दोनों का मिक्स है, मॉडरेट रिएक्शन। क्या है स्टूडेंट्स? मॉडरेट रिएक्शन। तो तीनों तरह की रिएक्शन आज अपन डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, ये अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मेनली। फिर अपन इंडिविजुअली इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट को भी डिटरमाइन करेंगे, इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है, वेरी स्लो रिएक्शन क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल अपन इनको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अपन ने देखा टाइप ऑफ रिएक्शन तीन तरह की होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अब अपन इनको आगे जाके एलोबरेट करते हैं स्टूडेंट्स की फास्ट रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन क्या है, वन बाय वन अपन देखते हैं तीनों रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहां पर वेरी फास्ट रिएक्शन, और क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास दूसरा नेम, वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट्स बहुत कम होता है और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन उसी रिएक्शन को बोला जाता है जो क्या होता है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के बीच में फाइंड आउट करी जा रही है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में टाइम इंटरवल क्या होगा, बहुत ही कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा होगी। ये रिएक्शंस कौन सी होती है, ये आयनिक रिएक्शंस होती है स्टूडेंट्स, जिनका समय बहुत क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम है। तो कम आयनिक, कम टाइम इंटरवल आपके पास आयनिक रिएक्शंस ही शो करती है। उनकी रेंजिंग क्या होगी, 10^-14 से लेकर 10^-16 सेकेंड तक। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो टाइम में चेंज आ रहा है वो क्या है, 2 small, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके पास बहुत ज्यादा, 2 high। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आयनिक रिएक्शन। अब इनके लिए टाइम इंटरवल 10^-14 सेकेंड से लेके 10^-16 सेकेंड, बहुत ही मिनिमम कम अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल है, उसके बीच में ये रिएक्शंस कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। कौन सी आयनिक रिएक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स NaCl प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड दे रहा है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से, तो आपको NaCl प्लस वाटर मिल रहा है।
ये बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, NaCl, दिस इज NaCl और H2 अपन को मिल जाएगा प्रोडक्ट में। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच अकर इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल गिव्स द आयनिक रिएक्शंस। क्या देती है ये आपको? आयनिक रिएक्शंस, और इनको बोला जाएगा वेरी फास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसका ग्राफ अगर अपन देखना चाहें तो इसका ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स? इस तरह का आपके पास ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो आपके पास है ये क्या बता रहा है? स्लोप ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ये आपके पास रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में कर्व है स्टूडेंट्स। फॉर द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ये स्लोप डिक्रीज हो रहा है, कम समय के लिए है, तो स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कर्व है आपके पास गिव्स द क्या? इनिशियल रेट, सॉरी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ये आपको बता रहा है टैन थीटा। क्या कर्व दे रहा है आपको? ये टैन थीटा आपको बता रहा है, क्योंकि इसमें जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो किसके बराबर है? टैन थीटा के बराबर है स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आया कि वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है और इनको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्यों बोलते हैं? इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल में कैरी कंप्लीट हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि समय अंतराल बहुत कम है स्टूडेंट्स। तो समय कम है तो रिएक्टेंट इजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे दिया आयनिक रिएक्शंस 10^-14 10^-16 सेकंड में कैरी कंप्लीट हो जाएंगी। NaOH प्लस HCl गिव्स क्या? NaCl प्लस वाटर। एंड आपके पास यहाँ पर ग्राफ आ गया वर्सेस रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कर्व आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। सेकंड रिएक्शन देखते हैं जो कि क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन, और इसको क्या बोला जाता है? एवरेज रिएक्शन भी बोला जाता है। अब ये रिएक्शन क्या होती है इसको स्टूडेंट्स क्या करें? जस्ट अपोजिट कर दें आप वेरी फास्ट रिएक्शन से। क्लियर? याद करने में आपको इजीली होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वेरी फास्ट रिएक्शन का अपोजिट कर दें वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर। बस क्या होता है ये कि यहां पर जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। वहां क्या होता था? कम होता था। यहां पर टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा, और ज्यादा टाइम इंटरवल के लिए कौन सी रिएक्शन फाइंड आउट करी जाती है? एवरेज रिएक्शन फाइंड आउट करी जाती है। क्लियर? तो टाइम इंटरवल टू लार्ज और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही धीरे, बहुत ही कम अमाउंट में, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन हो पाएगी। क्लियर? जितना समय ज्यादा लगेगा किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी स्टूडेंट? कम होगी। और जितना समय कम लगेगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, जो क्या कहलाएंगी? वेरी फास्ट रिएक्शन। और ये क्या कहलाएंगी? वेरी स्लो रिएक्शन स्टूडेंट्स। क्लियर? तो लिखते हैं यहां पर अपन डेल्टा टी क्या होगा बच्चों? यहां पर टू लार्ज रेट ऑफ रिएक्शन टू स्मॉल, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगी क्योंकि जल्द बहुत धीरे आपके पास रिएक्शन हो पाएगी, क्योंकि टाइम इंटरवल टाइम गैप क्या है? बहुत ज्यादा है। कैसी रिएक्शंस होती हैं ये? फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जो कि वेरी स्लो रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत धीरे होती है रस्ट बनने में, किसी भी मेटल आयरन के ऊपर, Fe के ऊपर कोई भी रस्टिंग जमने से पहले रेट ऑफ रिएक्शन बहुत धीरे देरी होगी, टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा होगा, लार्ज होगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो जंग लग जाता है मेटल सरफेस पे वो एकदम से नहीं लगता है, वो कुछ समय में लगता है। तो वो कुछ समय अंतराल जो है वो बहुत लार्ज गैप है। रेट लार्ज इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट की जो रिएक्शन की दर है वो क्या है स्टूडेंट्स? बहुत धीरे है। तो इसलिए धीरे धीरे वहां पर रस्टिंग क्रिएट हो जाएगा Fe के ऊपर, आयरन के ऊपर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास वेरी स्लो रिएक्शन में आता है और इन्हीं को बोलते हैं
एवरेज रिएक्शन। इसका भी कुछ ग्राफ होता है, वो ग्राफ क्या है भाई यहां पे समझिए, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, क्लियर। ये है आपके पास आर आई, ये है आपके पास आर एफ, आर इनिशियल आर फाइनल, क्लियर। आर फाइनल के लिए आपके पास, सॉरी आर इनिशियल के लिए टाइम कितना है टी इनिशियल, आर फाइनल के लिए आपके पास टाइम क्या है टी फाइनल, क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके लिए मैं अगर रेट लिखूं तो क्या हो जाएगी, इसके लिए रेट हो जाएगी वही डीसी बाय डीटी। चेंज कैसा बता पाऊंगा, आर एफ माइनस आर आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई, क्लियर स्टूडेंट, समझ में आई बात। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, कंसंट्रेशन किसमें चेंज है, आर फाइनल आर इनिशियल में, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल सी टू माइनस सी वन अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आर फाइनल के लिए समय कितना लग रहा है टी फाइनल, आर इनिशियल के लिए समय कितना लग रहा है टी इनिशियल। तो ये आपके पास एवरेज टाइप ऑफ रिएक्शन होगी। नेगेटिव साइन तो क्या बता रहा है आपको, डिक्रीज, नेगेटिव साइन शोज डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है, डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग हियर द नेगेटिव साइन। तो ये तो आपके पास हो गया वेरी स्लो रिएक्शन और एवरेज रिएक्शन। अब देखते हैं लास्ट अपन थर्ड पार्ट, मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन क्या है भाई, मैंने बताया आपको टॉपिक चालू होने से पहले कि मॉडरेट रिएक्शन दोनों रिएक्शन का समय है, मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन दोनों मिलके आपके पास क्या बना रही है, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन बना रही है स्टूडेंट्स। अब सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बेटा मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि डेल्टा टी आपके पास क्या होगा, नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, कि ये ना तो ज्यादा टाइम इंटरवल के लिए होगा ना ही ज्यादा कम टाइम इंटरवल के लिए होगा, उसको बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन, और जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, ना तो ज्यादा हाई होगी ना ही ज्यादा स्लो होगी, ना ही ज्यादा स्मॉल होगी ना ही ज्यादा लार्ज होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स ना ही जल्दी हो जाएगी ना ही बहुत धीरे होगी, कुछ समय को छोड़ के वो आपके पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, उन रिएक्शन को बोला जाएगा मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ऐसी सर कौन सी रिएक्शन होगी जिनमें तो ना ज्यादा लंबा समय लगेगा ना ही कम टाइम लगेगा, ऐसी रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, देखिए H2O2 gives H2 plus O2, क्लियर। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो रहा है आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड, H2O2 को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्लियर। इसका कलर क्या होता है, पैल ब्लू लिक्विड होता है, ठीक है। तो H2A2 पता लगा आपको क्या है, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें नीदर टू स्मॉल नॉर टू स्मॉल लार्ज का आपके पास टाइम इंटरवल होगा और इंटरमीडिएट रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको क्या कलर देता है, पैल ब्लू लिक्विड आपको देगा। तो ये आपके पास तीनों तरह की रिएक्शन हो गई, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन, क्लियर। अब मैं आपको यहां पर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन से क्रिएट होने वाला इंस्टेंटेनियस रेट और इंस्टेंटेनियस एवरेज रिएक्शन के बारे में डिफरेंस आपको यहां पर बताता हूं स्टूडेंट्स। एवरेज रिएक्शन
या एवरेज रेट भी आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर? तो आपके पास एवरेज रेट क्या होता है भाई? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन लार्ज इंटरवेल ऑफ टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? इधर क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर या शॉर्ट इंटरवेल ऑफ टाइम। क्लियर भाई? अब देखते हैं दोनों के ग्राफ, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, दोनों एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के रेस्पेक्ट में अपन दो दो ग्राफ को स्टडी करेंगे। दोनों के रिलेटेड अपन यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूलेस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ठीक है भाई, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम और प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में मैंने यहां पर ग्राफ बताया। अब आपको यहां पर डिनोशन करना होगा। ये आपके पास है पीआई और ये है आपके पास पीएफ। पीआई के लिए कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स? टीआई। पीएफ के लिए कितना टाइम लग रहा है? टी फाइनल। क्लियर? यहां आ जाते हैं RI, RF, RI आपके पास आ रहा है TI के ऊपर, RF आपके पास आ रहा है कितना स्टूडेंट्स? T फाइनल। क्लियर? तो R इनिशियल, R फाइनल, ये आपके पास लग गया स्टूडेंट्स। तो R इनिशियल, R फाइनल आपके पास बन गया और इधर ही आपके पास क्या हो गया, T इनिशियल, T फाइनल, दोनों के बीच का ग्राफ आ गया स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल वैल्यू पे। अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में आपके पास फॉर्मूला क्रिएट करता हूं। तो मेरे पास यहां पर आर एवरेज, आर एवरेज क्या है स्टूडेंट्स? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यही होता है स्टूडेंट्स। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपन यहां पर आर क्या है आपके पास, आर इनिशियल, आर फाइनल पुट करते हैं, माइनस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, आर एवरेज। वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, लिखेंगे यहां पर नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स कि नेगेटिव साइन क्यों शो कर रहे हैं? माइनस डी आर बाई डी टी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डी आर बाई डी टी, यहां भी डीपी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी अपन लगाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी एफ माइनस टी आई, यहां आ जाते हैं। इसके केस में आर एवरेज डीपी बाय
dt अगेन, अब आपके पास क्या है dt प्रोडक्ट की जगह p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, पॉजिटिव साइन शोज द क्या इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां पे ही आपको बताना पता होना चाहिए कि नेगेटिव साइन क्यों पुट करा है स्टूडेंट। तो आपके पास दोनों आ गए आर एवरेज और आर एवरेज फॉर द रिएक्टेंट पार्ट एंड आर एवरेज फॉर द प्रोडक्ट पार्ट वर्सेस टाइम के बीच के ग्राफ के फॉर्मूला स्टूडेंट, क्लियर। तो ये चीज आपको पता लगी होगी आर एवरेज और आर एवरेज फॉर द प्रोडक्ट केस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपन इंस्टेंटेनियस रेट के ऊपर, इसके रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का कर्व और इसके प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के कर्व को देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है, यहां पर आपके पास थीटा एंगल, यहां पर आपके पास आर वर्सेस टाइम के बीच में कर्व, ये प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में कर्व, क्लियर। अब इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको पहले तो आर इंस्टेंटेनियस बताऊंगा और फिर आपके पास प्रोडक्ट के केस के लिए आर इंस्टेंटेनियस बताऊंगा। ये स्लोप क्या बता रहा है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कर्व के बारे में जानकारी दे रहा है, जो कि क्या है इंस्टेंटेनियस रेट बता रहा है, जो किसके बराबर है टेन थीटा के बराबर है, क्लियर स्टूडेंट्स। ये स्लोप जो क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कर्व गिव्स द क्या इनिशियल रेट। अब आ जाते हैं अपन आर इंस्टेंटेनियस पे। अब भाई आर इंस्टेंटेनियस क्या है, आर इंस्टेंटेनियस वही है माइनस डेल्टा आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर डेल्टा टी, यही है स्टूडेंट्स। यहां पर आपके पास ये किसके बराबर हो जाएगा आर एवरेज, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो और आर एवरेज लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, क्लियर। इसको देखते हैं तो ये आपके पास आर इंस्टेंटेनियस माइनस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्लियर। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आपके पास है, तो ये आपके पास आ जाएगा आर इंस्टेंटेनियस, ये आपके पास लिमिट है टी इक्वल्स टू जीरो पे, यहां पर आपके पास माइनस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डीटी, ये आपके पास आर इंस्टेंटेनियस आ गया। यहां की बात करें तो यहां पर आपके पास आर इंस्टेंटेनियस वही डीपी बाय डीटी किसके बराबर आर एवरेज के बराबर लिमिट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे, टी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये आपके पास आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डीपी अपॉन डीटी, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास किसके बराबर है, इसकी वैल्यू टेन थीटा के बराबर है। तो दोनों चीजें आपके पास आ गई रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, दोनों के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है स्टूडेंट्स, एक ही चीज है, बस यहां पर आपके पास टाइम इंटरवेल था, क्लियर, टाइम इंटरवेल विद द कंसंट्रेशन इंटरवेल था आर आई आर फाइनल आर इनिशियल आर पी इनिशियल पी फाइनल विद द केस ऑफ टी इनिशियल टी फाइनल टी इनिशियल टी फाइनल। आर एवरेज निकाला आपने माइनस आर एफ माइनस आर आई अपॉन टी फाइनल माइनस टी आई, और ऐसे ही आर एवरेज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा
मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। दोनों के केस के लिए फॉर्मूला आगे अलग अलग कर्व देख लिए अपन ने, ग्राफ देखे। ऐसे ही इधर अपन ने आर इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करा विद द हेल्प ऑफ आर एवरेज फॉर द रिएक्टेंट पार्ट। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस डी आर बाई डी टी, नेगेटिव साइन शोज वही डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पॉजिटिव साइन शोज इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? ये दोनों कर्व आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट के रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट जो कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फाइंड आउट करे जाते हैं। ये दोनों ग्राफ आपके पास रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट फॉर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फाइंड आउट करे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको समझ में आई, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। फिर चल जाते हैं स्टूडेंट्स, अपने पास एक और होती है इनिशियल रेट। अब इनिशियल रेट क्या भाई? ये रेट वो है जब टाइम इंटरवल आपके पास क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो, तब जब रेट मेजर करी जाती है उस रेट को बोलते हैं इनिशियल रेट। क्लियर भाई? तो रेट मेजर्ड व्हेन टाइम इंटरवल टी इक्वल्स टू जीरो, और ग्राफिकली वी कैन फाइंड आउट इनिशियल रेट बाय द हेल्प ऑफ ऑस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड की मदद से अपन इनिशियल रेट को फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसके लिए टाइम कितना होता है, टी इक्वल्स टू जीरो। तो टी इक्वल्स टू जीरो पे टाइम इंटरवल पे जो रेट मेजर करी जाएगी उसको बोलेंगे इनिशियल रेट स्टूडेंट्स। क्लियर? और इक्विवेलेंट रेट एक और आती है आपके पास, एक और रेट क्या है, इक्विवेलेंट रेट। ये वो रेट है जो वन मोल ऑफ रिएक्टेंट या वन मोल ऑफ प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में जब रेट मेजर करा जाएगा तो उसको बोला जाएगा इक्विवेलेंट रेट। क्लियर? वन मोल ऑफ रिएक्टेंट और वन मोल ऑफ प्रोडक्ट के लिए जब रेट मेजर करी जाएगी तो वो इक्विवेलेंट रेट होगा। जैसे कि ए प्लस बी एग्जाम्पल से देखते हैं गिव्स प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगी, माइनस वन अपॉन ए डी ए बाय डी टी क्लियर स्टूडेंट्स। तो वन अपॉन ए मतलब वन मोल ऑफ रिएक्टेंट या वन मोल ऑफ प्रोडक्ट के रेट सेट में रेट फाइंड आउट करना, उसको इक्विवेलेंट रेट बोलेंगे। माइनस वन अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू जो आपके पास यहाँ पर स्टाइशोमेट्री मोल्स हैं, ये आपको मोल्स जो गिवन है ये क्या हो जाएंगे, वन अपॉन ए के पार्ट में वन अपॉन बी के पार्ट में चले जाएंगे। माइनस इसलिए साइन लगा है क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगेगा ही सही स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट होता है तो पॉजिटिव होता है। तो माइनस वन अपॉन ए डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन बी डी बी बाई डी टी स्टूडेंट्स। क्लियर? तो अपन ने यहाँ पर पूरी चीज देखी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। मैंने आपको तीन रेट यहां पर बताई थी, वेरी फास्ट रेट, वेरी स्लो रिएक्शन या रेट, इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट, मॉडरेट रेट। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहां पर? क्लियर? देखते हैं, कैलकुलेट करना है आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इफ, जब आपको दे रखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 5 into 10 raised to power minus 4 mole liter inverse second inverse। क्लियर बच्चे? ये आपको
क्वेश्चन दे रखा है. कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 5:10^-4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. क्लियर. इसमें आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं. 3.3×10^-4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. (4×10^-4)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 
फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है डिसअपीयरेंस के साथ 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर, सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन से सबसे पहले आपको यहां पर क्या होगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे भाई, अमोनिया की फॉर्मेशन है तो किससे बनता है अमोनिया, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। N2+3H2 gives क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। ये आपके पास क्या हो गया, अमोनिया की रिएक्शन। तो अमोनिया की रेट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना, मतलब प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी, कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट क्या है यहां पे, अमोनिया। डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में जो मेरे को गिवन है वो चीजें मैं पहले यहां पर लिख लेता हूं स्टूडेंट्स। क्या गिवन है आपको, दे रखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 5 × 10⁻⁴। यही दे रखा है 5 × 10⁻⁴। क्लियर, अब मेरे को क्या निकालना है, अमोनिया की रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो मैं इस रिएक्शन के लिए पहले क्या कर लेता हूं, रेट लिख लेता हूं। तो रेट मेरे पास क्या हो जाएगी इस रिएक्शन के लिए, माइनस डी एन टू अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस 1/3 डी एस टू बाय dt। स्टोइकोमेट्री क्या है हाइड्रोजन के साथ 3, इसलिए 1/3 लगाया यहां पर। अमोनिया 1/2, पॉजिटिव है ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चों, रिएक्टेंट होता है नेगेटिव, पॉजिटिव तो क्या होता है प्रोडक्ट। तो डी एन एस थ्री अपॉन dt, ये आपके पास मैंने इस रिएक्शन की रेट लिख ली जैसे कि अपन ने अभी सीखी थी। गिवन मेरे पास यहां पर यह है कि मेरे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इस पूरी चीज को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नेगेटिव साइन के साथ डी एस टू अपॉन डी टी है बच्चों। क्लियर, 5 × 10⁻⁴। तो मेरे को यहां पर, मेरे पास एन टू तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर मेरे को एन टू को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, मेरे को बस इन दोनों चीजों से ही मतलब रखना है क्योंकि यही मेरे को गिवन चीजों से आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास यहां पर माइनस डी एच टू बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 5 × 10⁻⁴ - 4/3। क्लियर, माइनस डी एच टू अपॉन डी टी 5 × 10⁻⁴ मैंने पुट करा यहां पर अपॉन 3। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, भाई माइनस साइन के साथ ही तो वैल्यू दे रखी है मुझे यहां पर, तो मैं माइनस साइन क्यों लगाऊंगा यहां पर। क्लियर, इक्वल्स टू 1/2 DNH3/dt। इस 2 को मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 2/3 × 5 × 10⁻⁴ = DNH3/dt। ये आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, आपके ऑप्शन में से चेक कर लीजिएगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे 2/3 × 5 × 10⁻⁴, दैट इज 3.3 × 10⁻⁴। क्लियर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, किसके रेस्पेक्ट में,
अमोनिया के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ फॉर्मेशन, तब जब आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हाइड्रोजन की दे रखी है 5 × 10⁻⁴। स्टूडेंट्स क्या मेथोडोलॉजी है, रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन पता होनी चाहिए। गिवन थिंग्स उठाइए अपने क्वेश्चन में से, पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो कौन सा आंसर आ रहा है अपने पास यहाँ पर, 3.3 × 10⁻⁴। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपके पास, क्लियर। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर ने पहला आंसर लगा दिया, क्लियर, बट अभी यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो इनकम्प्लीट है बच्चों। फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपका आंसर कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने यूनिट नहीं पुट करी है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्लियर। तो जब सब्जेक्टिव बोर्ड्स में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन गिवन नहीं होंगे, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू वेदर इट विल बी IIT और नीट। तो यहाँ पर आपको मोल लीटर इनवर्स वहां पर यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता, क्लियर। बट सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, अमोनिया की फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी थी, डिसअपीयरेंस हाइड्रोजन का दे रखा था और अपन ने कैलकुलेट करा उसको, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा सबका। तो 3.3 × 10⁻⁴ पहला ऑप्शन आपके पास यहां पर करेक्ट है स्टूडेंट्स। थैंक यू।